दोस्तों, तो फाइनली हम अभी चंडीगढ़ के लिए निकल रहे हैं और अभी हम T2 पे हैं और हमारी फ्लाइट अभी विस्तारा, तो अभी हम निकल रहे हैं मनाली के लिए, बट अभी हमारी फ्लाइट है चंडीगढ़ के लिए, तो हम चंडीगढ़ जाएंगे फिर वहाँ से मनाली जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस अभी एयरपोर्ट के अंदर, T2 के अंदर, लेट्स गो। कट। हेलो दोस्तों, हमारा लगेज जा चुका है, हमारा बोर्डिंग पास मिल चुका है और हम रेडी हो चुके हैं फ्लाइट में बैठने के लिए। तो हमें एक और टास्क दिया हुआ है, यहाँ पे बोर्डिंग पास हमें ऐसे प्रेस करना है और ये ओपन होगा और हम निकल गए विस्तारा चंडीगढ़ रूम। अभी हमारा मनाली का शूट खत्म हो चुका है और हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं और हमारी 8 बजे की फ्लाइट है और यहाँ पे सो मच ट्रैफिक है, आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि आगे एक पहाड़ गिर चुका है। सारा मनाली का तो आप देख ही सकते हो कितना खूबसूरत है, पीछे पहाड़ वादिया। चलो चलो बैठो बैठो। तो अभी 3 घंटे बाद जाके ट्रैफिक खुला है और हम बस थोड़ी सी देर आगे बढ़े, बस थोड़ी सी देर, लाइक 2-3 मिनट गाड़ी चली हमारी, दैट्स इट। फिर 2 घंटे का ट्रैफिक होने वाला लग रहा है और हमारी फ्लाइट मिस हो गई। तो हमारे अपूर्वा भाई वेरी गुड सिंगर और ये आनंद से है, तो आनंद के फेमस सिंगर है हमारे साथ बैठे। अपूर्वा, अपूर्वा जी प्लीज एक कुछ थोड़ा सा जस्ट 2-3 लाइन प्लीज हमारे लिए, इन दर्शकों के लिए प्लीज। सॉरी, इसके लिए मैं बहुत बड़ा चार्ज लेता हूँ। चार्ज करते हैं, देख रहे हैं नो दोस्ती, ये होता है, ये होती है मेहनत, काम के पीछे का लगन, जो ये इस आज मुकाम पे है ये ऑडियंस की वजह से है, बट ये चार्ज करते हैं फिर भी। नो फैन के लिए कुछ भी, फैन के लिए कुछ भी चार्ज करते हैं। मीका सिंह ऐसा है क्या? दोस्त है ना, बट आपके थोड़ी है, बट दोस्त है ना, शादी होएगी तब बुलाएं, बुलाओ हम पियेंगे और गाएंगे। सकते आप, इतने बड़े बड़े पहाड़ गिर चुके हैं रोडों पे। अभी हमें 1 घंटा और लगा और ट्रैफिक क्लियर हुआ है और बाकी लोग तो फंस चुके हैं, हम क्लियर हो चुके हैं और हमारी फ्लाइट मिस नहीं होगी। अभी सस्पेंस कुछ भी नहीं है। ये देखें यहाँ पे, अब ये जो जाने वाली गाड़ी है ये रुक चुकी है, अब इनके लिए फुल ट्रैफिक है, अब ये निकलेंगे 1-2 घंटे के बाद और हम निकल चुके हैं अभी। हेलो दोस्तों, सुबह के 10:30 बज चुके और अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए उतर रहे हैं होटल पे, तो चलो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए निकलते हैं। तो मयूर प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो अभी लेके जाते हैं, अभी हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकफास्ट चालू है। हेलो दोस्तों, अभी हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश हो चुका है और अभी हम चंडीगढ़ के लिए निकल रहे हैं, यहाँ से 8 घंटे का ट्रैवलिंग हो रहा है और ये देखें हमारा लगेज बैग ऊपर है, तो अभी हम गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, तो लेट्स गो। हेलो दोस्तों, फाइनली हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। तो अमित भाई कैसा लग रहा है मनाली का एक्सपीरियंस? मत पूछो, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। तो आशीष भाई आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? तो चलो अभी एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं, सामान चेक इन करते हैं, लेट्स गो। हेलो दोस्तों, हमने सिक्योरिटी चेक इन कर लिया और अब हम लगेज लेके विस्तारा के काउंटर पे जा रहे हैं, लेट्स गो। हम चेक इन के लिए रेडी है, तो हमारा अभी वेट देखा जाएगा लगेज का। तो हमारा लगेज पास हो गया, तो ज़्यादा वेट बिल्कुल भी नहीं है, तो अब हमारा लगेज जा रहा है, तो हमारा एक लगेज विस्तारा ने एक्स्ट्रा भी लिया है। सॉफ्ट लगेज, अभी हम ओजी के लिए जा रहे हैं, हमारे 2 ओजी के बैग्स हैं, तो अभी ओजी के लिए हम निकल रहे हैं, हमारे 2 ओजी बैग्स हैं, तो पाजी लेके जा रहे हैं ओजी बैग्स। ये देखिए हमारा सारा सामान आ चुका है, सारा पास हो गया, तो अभी हम ये हमारा लैपटॉप आ चुका है। तो हमने फाइनली चेक इन वगैरह सब कर लिया है और गेट नंबर 8 पे हमारी फ्लाइट आने वाली है, तो हम सब रेडी है मुंबई जाने के लिए और विसर्जन देखने के लिए। फुल टू घर पे आ रहा हूँ ये भाई साहब, 10 दिन बाद घर पे जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हमारी 6:55 की बोर्डिंग थी और अभी 7:85 हो रहे हैं, तो फ्लाइट लेट है, लेट्स गो। थैंक यू फॉर विस्तारा ब्यूटीफुल डिनर विस्तारा स्टाफ।